प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह देख लिए थे। हम करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा बीटा गामा देख लिए थे, कॉन्फ़िगरेशन भी देख चुके थे, बट उसमें करेक्टरिस्टिक्स है वो बचा था। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो सेक्शन बचा था, तो उसको आज देखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रांजिस्टर बेसिकली थ्री टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर आपका क्या होता है, ये थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक, ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर किसी भी सर्किट में इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के लिए हमें दो टर्मिनल की आवश्यकता होगी, क्योंकि दो टर्मिनल के बीच हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल देंगे। ठीक है, और आउटपुट सिग्नल भी प्राप्त करने के लिए हमें एटलीस्ट दो टर्मिनल की आवश्यकता होगी। तो इनपुट और आउटपुट मिलाकर टोटल कितना हुआ, फोर टर्मिनल्स। बट हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है वो थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, तो फोर टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट होता है, और हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो फोर टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को हम कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ करते हैं। कॉमन टर्मिनल मतलब उस टर्मिनल को हम इनपुट एस वेल एस आउटपुट दोनों टर्मिनल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल की तरह यूज़ करने के बेस पे ट्रांजिस्टर का कन्फिग्रेशन तीन बन जाता है। यदि हम ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन की तरह यूज़ करें तो वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। यदि ट्रांजिस्टर के हम इमीटर टर्मिनल को कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ करें, मतलब इमीटर को हम इनपुट एस वेल एस आउटपुट दोनों टर्मिनल की तरह यूज़ करें, तो कॉमन इमीटर टर्मिनल कहलाता है। और यदि हम एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को हम कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ करें, मतलब उसको हम इनपुट एस वेल एस आउटपुट दोनों टर्मिनल की तरह यूज़ करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन के ही बेसिस पर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है। यदि बेस को कॉमन की तरह यूज़ करें तो कॉमन बेस, इमीटर को कॉमन की तरह यूज़ करें तो कॉमन इमीटर, और कलेक्टर को कॉमन की तरह यूज़ करें तो वो कॉमन कलेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन बेस टर्मिनल की, हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की केस में हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करेंगे। कॉमन तीन टाइप का होता है, कॉमन बेस सीबी कॉन्फ़िगरेशन, अगला होता है सीई कॉन्फ़िगरेशन, और अगला होता है सीसी। तो सीबी मतलब कॉमन बेस, सीई मतलब कॉमन इमीटर, और सीसी मतलब होता है कॉमन कलेक्टर। इफ द बेस टर्मिनल इज यूज्ड एस अ कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, देन सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। इफ द इमीटर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एस अ कॉमन टर्मिनल फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, देन सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। एंड इफ द कलेक्टर टर्मिनल इज यूज्ड एस अ कॉमन टर्मिनल फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, देन सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो तीन कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन बेस का। अब कॉमन बेस में मैंने क्या बताया कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सीबी मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो बेस जो टर्मिनल होता है, बेस टर्मिनल है वो क्या रहता है, इनपुट एस वेल एस आउटपुट उन दोनों के लिए क्या होता है,
कॉमन की तरह यूज होता है, ठीक है। इफ द बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट देन सच टाइप ऑफ कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टर का सर्किट बना देता हूँ थोड़ा सा, फिर क्लियर हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। कोई भी एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, पीएनपी ले लेता हूँ, चलो एरो अंदर की ओर मतलब पीएनपी है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, जहाँ पर एरो पॉइंट रहता है अंदर की ओर एरो तो आपका पीएनपी, बाहर की ओर एरो तो एनपीएन। एरो वाला पॉइंट वाला टर्मिनल हमेशा इमीटर होता है, बीच वाला टर्मिनल हमेशा बेस होता है, और जो बचा हुआ क्या होता है कलेक्टर, ठीक है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के इनपुट को हम जिस एक्सटर्नल सिग्नल जिसे हमें एम्पलीफाई वगैरह करना है उस एक्सटर्नल सिग्नल को हम इमीटर और बेस के बीच देंगे, उसके बाद इसको इनपुट को बायसिंग कर देते हैं, पी टाइप के इमीटर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, और एन टाइप के बेस रीजन को हम बैटरी के एन टाइप के बेस रीजन को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देते हैं। प्लस माइनस इमीटर और बेस का बीच है, इसलिए वी ई बी दे देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका इमीटर बेस रीजन, तो इमीटर बेस रीजन को हम फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किए हैं, इमीटर बेस रीजन फॉरवर्ड बायस होता है। अब उसके बाद बेस कलेक्टर को जोड़ देते हैं रिवर्स में, बेस कलेक्टर को रिवर्स में जोड़ेंगे तो एन ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक लोड लगा देता हूँ, ठीक है, आर एल लोड आर सी लिख लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट जो भी मिलेगा प्लस माइनस, ठीक है। तो आपका सॉरी ये ऐसा रहेगा, ये छोटा रहेगा, ये निगेटिव है, और ये क्या रहेगा पॉजिटिव, ये क्या रहेंगे वी सी बी, ठीक है। यस, ये निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव, करेक्ट कर लेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है, पोलारिटी, ताकि इसका बेस और कलेक्टर जो रीजन है वो क्या रहे रिवर्स बायस। तो बेस कलेक्टर रीजन को रिवर्स बायस करने के लिए पी टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी के निगेटिव से जोड़ा हूँ, और एन टाइप के बेस रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ठीक है। जिससे आपका बेस और कलेक्टर रीजन क्या हो जाता है रिवर्स बायस हो जाता है, बट इमीटर टू बेस रीजन है वो क्या होता है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इनपुट पोर्ट है, बोल सकते हैं इनपुट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इनपुट को किसके किसके बीच दे रहा हूँ मैं, इमीटर और बेस के बीच। तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल वी इन इज अप्लाइड बिटवीन इमीटर एंड बेस, एंड आउटपुट सिग्नल इज टेकन फ्रॉम बेस एंड कलेक्टर। तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम इमीटर और बेस के बीच से दे रहे हैं, और आउटपुट सिग्नल को हम बेस और कलेक्टर के बीच से हम क्या कर रहे हैं प्राप्त करते हैं। तो ये बेस जो टर्मिनल जो होता है, बेस जो टर्मिनल है वो इनपुट एस वेल एस आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है। दिस बेस टर्मिनल इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट देन सच टाइप ऑफ कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम इमीटर और बेस के बीच से अप्लाई करते हैं, और आउटपुट सिग्नल को बेस और कलेक्टर के बीच से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बेस जो टर्मिनल होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है, इस कारण इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर को मैं एक्टिव मोड में यूज़ किया हूँ, क्योंकि जब भी ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में रहता है उसकी इनपुट है वो फॉरवर्ड और आउटपुट क्या रहता है रिवर्स। तो जब भी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज़ करोगे ऑलवेज ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है देख सकते हैं, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इमीटर और बेस से भी से दे रहे हैं, तो इस सर्किट में अप्लाइड इनपुट जो सिग्नल है इनपुट बायसिंग वोल्टेज वी ई बी है, इमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज वी ई बी, और इस वी ई बी के कारण इसके इमीटर पे फ्लो होने वाला जो करंट है वो इमीटर करंट आई ई, और ये आई ई इमीटर करंट है वो इनपुट करंट कहलाएगा,
ठीक है, ये आई जो इमिटर करंट है वो इनपुट करंट कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं ये बेस टर्मिनल है, जब इमिटर है वो अंदर की ओर आ रहा है, इमिटर करंट अंदर की ओर है, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि बाकी दो और करंट है वो बाहर की ओर जाएगा। तो बेस करंट यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से कलेक्टर करंट भी क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ताकि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस क्या हो जाए, आई सी हो जाए। ठीक है, तो इमीटर करंट अंदर की ओर आ रहा है तो बेस बाहर की ओर जाएंगे और कलेक्टर करंट भी बाहर की ओर निकलेगा, ताकि इमीटर करंट इक्वल टू बेस प्लस क्या हो जाए, कलेक्टर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांजिस्टर का, कोई भी ट्रांजिस्टर के केस में इमीटर करंट है वो हमेशा बेस और कलेक्टर करंट के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर्किट। तो सर्किट में आउटपुट जो सिग्नल है बेस और कलेक्टर के बीच से ले रहे हैं, तो इस सर्किट के आउटपुट पे फ्लो होने वाला करंट आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है, ये कलेक्टर करंट आउटपुट है देख लो, क्योंकि आउटपुट लोड में यही कलेक्टर करंट ही फ्लो हो रहा है। और आउटपुट जो वोल्टेज क्या है, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज VCB, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट करंट और इनपुट आउटपुट वोल्टेज का ही रोल रहेगा इस टॉपिक में, इस कारण समझना जरूरी है कि इनपुट करंट क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बिटवीन इनपुट इमिटर करंट एंड इनपुट इमिटर टू बेस वोल्टेज। ठीक है, क्या बोला मैं कि इनपुट करंट कौन सा, इमिटर करंट, और इनपुट वोल्टेज कौन है, इमिटर टू बेस वोल्टेज VEB, इमिटर टू बेस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, इमिटर करंट इनपुट करंट, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज VCB, आउटपुट वोल्टेज VCB ऐसे कांस्टेंट। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज जो है VCB वोल्टेज कलेक्टर टू बेस आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए, जो करेक्टरिस्टिक्स कर्व इनपुट इमिटर करंट और इनपुट इमिटर टू बेस वोल्टेज के बीच में ड्रॉ किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट इट इज अ करेक्टरिस्टिक्स कर्व बिटवीन इनपुट इमिटर करेंट एंड इनपुट इमिटर टू बेस वोल्टेज, कीपिंग कलेक्टर टू बेस आउटपुट वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। उसको क्या बोलते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ट्रांजिस्टर का इनपुट करंट और ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज के बीच में आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को क्या बोलते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए हम ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज हैं उसको किसी पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू पर हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। VCB को एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर देते हैं। VCB जो आउटपुट वोल्टेज को पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू पर फिक्स करने के बाद हम इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। इनपुट वोल्टेज को वेरी करने के बाद इनपुट वोल्टेज के कारण जो इनपुट करंट में जो वेरी होगा उस रीडिंग को नोट करते जाते हैं, उसकी वैल्यू को पॉइंट आउट करते जाते हैं। फिर इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इनपुट करंट के बीच में हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं, वही क्या करो क्या कहलाता है, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाता है। तो जब हम सपोज VCB कलेक्टर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू हम 0 वोल्ट पर फिक्स कर दी, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर दिए, फिर सपोज कलेक्टर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट, तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स करने के बाद हम इसकी इनपुट इमीटर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू को क्या करते हैं, इनक्रीज करते हैं। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में इमीटर से बेस के बीच का वोल्टेज जो है उस ट्रांजिस्टर के थ्रीसोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, थ्रीसोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होगा, ट्रांजिस्टर के थ्रीसोल्ड वोल्टेज लेवल से ज़्यादा होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, टर्न
ऑन हो जाता है। अब सिंपली हम VCB को 0 वोल्ट पे सेट किए हैं, तो VEB की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, तो इमीटर से बेस के बीच की वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो उससे फ्लो होने वाला इमीटर करंट वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में इमीटर जो बेस रीजन है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब इमीटर से बेस के बीच का वोल्टेज डायोड के मतलब उस इमीटर बेस रीजन के थ्रीशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाते हैं, और ट्रांजिस्टर के टर्न ऑन होने से उस पे होकर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल इमीटर जो करंट है वो VEB के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में जब आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में फ्लो होने वाला इमीटर करंट, एक मिनट, एक कर्व इस टाइप से बनेगा। वोल्टेज VEB को हम एक्स एक्सिस में लेंगे और इसके कारण फ्लो होने वाला इनपुट इमीटर करंट को हम वाई एक्सिस में। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में इस VEB का वैल्यू ट्रांजिस्टर के इमीटर बेस थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये आपका ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होगा और टर्न ऑन होकर के उससे होकर एक इमीटर करेंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये सपोज थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल है इतना, तो जैसे ही इसके इनपुट पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा उसमें इमीटर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर एबव हम उसकी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इसका एबव अगर इंक्रीज करते हैं तो जैसे जैसे अप्लाइड इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उस डायोड में फ्लो होने वाले इमीटर करेंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो इस टाइप से आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इमीटर से बेस जो रीजन है वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है, और उससे फ्लो उसके कारण फ्लो होने वाला आपका करंट है, उसके कारण फ्लो होने वाला करंट इमीटर जो करंट है वो इमीटर टू बेस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए क्या करते हैं, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए इनपुट इमीटर टू बेस वोल्टेज और इनपुट इमीटर करंट के बीच में कर्व ड्रॉ किया जाता है। तो जो कर्व करेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उसी करेक्टरिस्टिक्स कर्व को हम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो हमने यहाँ पर कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को 0 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो 0 वोल्ट पे फिक्स करने के बाद हमने इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया और इनपुट करेंट की वैल्यू को नोट करते गए, फिर दोनों के बीच एक कर्व प्लॉट किया। प्लॉटिंग जो कर्व हमें इस टाइप से दिखाई दिया तो यही कर्व क्या कहलाया, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। तो जब हमने VCB की वैल्यू को 0 वोल्ट पे सेट कर दिया तो 0 वोल्ट पे सेट करने पर आउटपुट कलेक्टर टू बेस जो रीजन है वो तो ओपन सर्किटेड हो गया और इमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही इमीटर और बेस के बीच की अप्लाइड वोल्टेज ट्रांजिस्टर के थ्रेशोल्ड इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाता है, और ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होने से ट्रांजिस्टर के इमीटर इनपुट से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। फ्लोइंग जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इस टाइप से क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल इमीटर जो बेस रीजन एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो ये हो गया इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसके इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस, अभी पूरा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है ना, सो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सीबी कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली इनपुट जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो एसी रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है,
तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सीबी कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफाइंड एस आर आई है, स्मॉल आर आई जहाँ पर आर जहाँ पर शो होता है वो रेजिस्टेंस, और वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है उसको एसी रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आर आई इनपुट रेजिस्टेंस, आर आई विल बी चेंज इन, तो इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहा था मैं, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एमिटर टू बेस वोल्टेज, दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करेंट। ठीक है, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब एसी रेजिस्टेंस, और जब भी डायनेमिक रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन किया जाता है तो ऑलवेज चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करेंट के बीच हम रेशियो निकालते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफाइंड एस द रेशियो ऑफ चेंज इन इमीटर टू बेस इनपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इमीटर करेंट कीपिंग कलेक्टर टू बेस आउटपुट वोल्टेज एस ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कलेक्टर से बेस के बीच में जो आउटपुट जो वोल्टेज रहता है उस आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट मेंटेन रखते हुए अगर हम चेंज इन इनपुट इमीटर टू बेस वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट इमीटर करेंट निकालें तो वही कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में उस सर्किट के इमीटर पर फ्लो होने वाला इनपुट जो करंट होता है, इमीटर करंट, इनपुट जो करंट होता है वो इमीटर करंट होता है, और इनपुट इमीटर करंट की जो वैल्यू है वो क्या होता है, लार्ज वैल्यू होता है। आप सभी को पता है क्योंकि इमीटर करंट इक्वल टू सम ऑफ बेस प्लस कलेक्टर करंट, तो इमीटर जो करंट आई ई वो होता है वो लार्ज होता है, तो आई ई का